इसराइल और हमास के बीच जंग को पूरे एक साल हो चुके हैं। हमास के हमले ने इसराइल को हिलाकर रख दिया था। हमास के भीषण हमलों का इसराइल ने जिस तरीके से पलटवार किया, वह अब क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि जंग के 7 मोर्चे तक खुल गए हैं। हमास के अलावा लेबनान का हिजबुल्ला भी अब पूरी तरीके से युद्ध में कूद चुका है। वहीं ईरान के हमलों के बाद युद्ध एक विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसराइल के संभावित पलटवार को लेकर ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच फिलिस्तीन के प्रतिरोध समूह ने अलक्सा स्ट्रॉम की पहली वर्षगांठ पर इसराइल के जख्मों को ताजा कर दिया। हमास ने इसराइल पर कहर बरपाती मिसाइलों से जोरदार हमला करके नेतन्याहू समेत पूरे इसराइल को सख्ते में डाल दिया। इस हमले में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर कई इसराइली मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। गाजा में हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने 114 mm राजूम रॉकेटों से जोरदार हमला बोला। बताया गया कि ब्रिगेड ने उत्तर पश्चिमी नेगेव रेगिस्तान में सूफा के पास मिलिट्री बेस पर हमला किया। इसके अलावा केरेम शालो मिलिट्री साइट के ऑपरेटिंग सेंटर में धावा बोल दिया। इसके अलावा गाजा के राफा क्रॉसिंग पर इजरायली बलों की टुकड़ी पर भी हमला किया गया। होलट अवैध बस्ती के आसपास के इलाकों को भी हवाई हमलों से दहलाया गया। ब्रिगेड ने अलक्सा स्ट्रॉम की सराहना करते हुए बयान भी जारी किया है, जिसे इस्लामिक जिहाद प्रतिरोध आंदोलन की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के तेज होते हमलों के जवाब में किए गए इस ऑपरेशन में लड़ाकों ने कब्जे वाले इलाकों पर धावा बोला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइली सीमा लांघ कर जबरदस्त हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इसराइली मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। गाजा के आसपास इजरायली सैन्य ठिकानों और अवैध बस्तियों पर कब्जा जमाने का दावा भी किया गया। इस दौरान 240 से ज्यादा इजरायलियों को बंदी बना लिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद इजरायल ने गाजा में जमकर उत्पात मचाते हुए लगभग पूरा गाजा तबाह कर दिया। इस युद्ध में अब तक लगभग 42,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अलक्सा स्ट्रॉम की वर्षगांठ मनाते हुए हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य ने बड़ा बयान दिया है। हमास के पूर्व नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अल हय्या चरमपंथी समूह का चेहरा बनकर उभरा है। खलील अल हय्या ने कहा, इस ऑपरेशन ने पहले ही इजरायली की कथित सैन्य श्रेष्ठता को चकनाचूर कर दिया है। इजरायल अपनी सेना से अपने मकसद को हासिल करने में सक्षम नहीं है और ना ही होगा। प्रतिरोध सेनानी अपने मिशन में दृढ़ हैं। हमारा उद्देश्य साफ है, हम अपनी भूमि की मुक्ति, स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना और शरणार्थियों की वापसी चाहते हैं। पूरा फिलिस्तीन, खासतौर पर गाजा और हमारे फिलिस्तीन लोग अपने प्रतिरोध, खून और दृढ़ता के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं।